ये हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम है, जिनको नहीं पता उनके बारे में बता दूं, 600 रुपीज के अंदर, सिर्फ और 600 रुपीज के अंदर मैं आपको डॉटनेट कोर के कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल, वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि डॉटनेट 8 के ऊपर आप लोगों को मिलेंगे, जो एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल रहेंगे। बिगिनिंग है, इंटरमीडिएट लेवल है, उसके बाद में एडवांस लेवल हम लोग बनाएंगे उसमें। उसके बाद में डैपर है, रेस्ट एपीआई है, एंगुलर है, रिएक्ट है, सीक्वल सर्वर है, और रिएक्ट का जो ट्यूटोरियल है जैसे 17 पॉइंट जो अभी लेटेस्ट है उसी के ऊपर एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, और ये सिंपल वीडियो ट्यूटोरियल नहीं रहेंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड रहेंगे। तो 600 रुपए में कोई अगर आप लोगों को पूरा ट्यूटोरियल दे रहा हो, पूरा आप लोगों को प्रोजेक्ट कोड दे रहा हो, तो वहां से भी आप लोगों को लेना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को 600 रुपीज में हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर 2 प्रोजेक्ट देने वाला हूँ, बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे, कंप्लीट सोर्स कोड मिलेगा आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज में इन सभी टेक्नोलॉजीज के ऊपर। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है, आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। ये बेहतरीन मौका मैं नहीं समझता कि जिनको पता है और वो नहीं ले रहे हैं, कल को फीस बढ़ जाएगी, उसके बाद में आप लोग इसको परचेज करेंगे तो आप ही को धोखा होगा, क्योंकि ये जो मेंबरशिप मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को गूगल फॉर्म फिल करना है, मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं एंगुलर 17 की ओर, जो हमारा गेटिंग स्टार्टेड का वीडियो है। अभी हाल ही में मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं, और उसमें कमेंट में मुझे ये बोला गया है कि सर एंगुलर का प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा, एंगुलर का प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा। देखिए, एंगुलर का प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट है, और मैं आप लोगों को बोल दूं कि बेसिक्स जो है आप लोगों को सीखना जरूरी है। तो बेसिक्स अगर आप लोगों को सीखना है तो आप लोगों को कहाँ पर जाना पड़ेगा, मेरे प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा, यानी कि आप लोगों को वो मेंबरशिप जो है, जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं लिया वो बता दूं मैं आप लोगों को, मैं ये वेबसाइट है और यहाँ पर आप लोगों का एंगुलर का कोर्स जो है वो स्टार्ट है। आप लोगों के पास डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड का ऑप्शन का मतलब आप लोग इसे व्यू कर सकते हैं, और इसका अगर कंप्लीट सोर्स कोड आप लोगों को चाहिए है, ठीक है, तो आप लोगों को ASP.NET Core Project एंड डाउनलोड सोर्स कोड के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट कोड विद ब्लेजर WSM के साथ मिलेगा, और डाउनलोड कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, डाउनलोड कंप्लीट RESTful API टेस्ट कोर्स REST API का यहाँ पर मिलेगा, और जो भी आप लोगों का अभी कोड चल रहा है वो आप लोगों को अभी और अपलोड हो जाएगा एंगुलर का बेसिक्स का, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है अपने कोर्सेज को यहाँ से सीन कर सकते हैं, जैसा मैंने बोला आप लोग यहाँ पर एंगुलर का कोर्स Part 1 है, Part 2 आप लोग देख सकते हैं। तो ये बेसिक है, ये बेसिक आप लोगों को एंगुलर का सीखना ही पड़ेगा, अगर इसके बगैर आप लोगों का काम नहीं चल रहा है मैं आप लोगों को बोल दूँ, क्योंकि अगर जब बेसिक्स अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो वो कोर्स जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे आप लोगों को समझ आएगा। तो ये बेसिक है, इसमें बहुत आसान आसान सी बातें मैंने बताई हैं, और इजीली आप लोग उसे यूज़ भी कर सकते हैं, आप लोग उसे पूरा का पूरा फेस करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं बता दूं कि प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट है, और अभी एक कमेंट और मिला है कि सर आप 17 पॉइंट में स्टार्ट कीजिए, जो बुकशॉप का प्रोजेक्ट है, जो भी एंगुलर का प्रोजेक्ट है, वो बुकशॉप का जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली में ये 17 में ही है। अब मैं आप लोगों को दिखा दूं, मैंने इसको माइग्रेट कर दिया है 17 में, तो कोड स्पेस डॉट मैं यहाँ पर ये ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं यहाँ पर angular.json में चलता हूँ, ठीक है, यहाँ से कट कर देता हूँ angular.json में चलता हूँ, यहाँ पर जो वर्जन आप लोग देखेंगे package.json, यहाँ पर आप लोग जो वर्जन देखेंगे 17.3 point something ही देखेंगे, ठीक है, और आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा पूरे प्रोजेक्ट में। और जैसा मैंने कहा कि मैंने पहले से ही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है वो बना रखा है इसका, तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से है, ऐप के अंदर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डर आप लोगों को बनाने हैं, क्योंकि ये बुकशॉप का प्रोजेक्ट है तो ऑथर्स तो आप लोगों के होने ही है, ऐप के अंदर ये सारे के सारे फोल्डर बना लीजिए, ऐप ऑथर्स होना है, बुकशॉप होना है, बुकशॉप के बाद में बुक्स होनी है, उसके बाद कैटेगरीज है, होम है, मटेरियल डिजाइन अगर हम लोग यूज में लेंगे तो मटेरियल डिजाइन हम लोग यूज में लेंगे, मेन्यू है, सिक्योरिटी है, यूटिलिटीज़ है, ठीक है, जो भी यूटिलिटीज हम लोग काम में लेंगे, वैलिडेटर्स हैं, जो भी वैलिडेटर्स हम लोग काम में लेंगे, तो ये एक डायरेक्टरी है, इसमें कुछ है नहीं, आप लोग देखिए यहाँ पर, ठीक है। अंडर द डायरेक्टरी हम लोगों को कंपोनेंट बनाने हैं, अंडर द डायरेक्टरी हम लोगों को सर्विसेज बनाने हैं, अंडर द डायरेक्टरी हम लोगों को जो इंटरफेसेस है वो बनाने हैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो यही है कि मैं कुछ बेसिक्स हैं जो आप लोगों को फिर से रिपीट करवा देता हूँ। तो मैंने कहा कि बेसिक्स आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, और ऐप फोल्डर के अंदर ही आप लोगों को ये सारी डायरेक्टरी बनानी है, जैसा कि बोला 17.3 में ही मेरा जो ऑफिशियल है वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं,
और यहाँ पर एनजी वर्जन जो है वो मैं चेक कर बता देता हूँ आप लोगों को अभी फिलहाल क्या है। एनजी वर्जन यानी कि एंगुलर सीएलआई का वर्जन क्या है और नोड का वर्जन क्या है। नोड का वर्जन 20 होना चाहिए और एंगुलर सीएलआई का वर्जन 17.3.2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टार्ट है एंड फाइनली इसके लिए हम लोगों को रेस्टफुल एपीआई भी बनाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि रेस्टफुल एपीआई हम लोग कहाँ पर बनाएंगे, हमारा वेब टेक्नोलॉजी कीड़ा वाले प्रोजेक्ट में बनाएंगे और वो विजुअल स्टूडियो कोड की विजुअल स्टूडियो की हेल्प से बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे कैटेगरीज के पार्ट से। तो कैटेगरीज में आप लोगों को नहीं लगता कि कुछ इंटरफेसेस होने चाहिए पहले से ही, ठीक है। जैसे कि हमारे पास डीटीओज आएंगे कि कैटेगरी का नाम ऐड करना है या हम लोगों को कैटेगरीज को कैटेगरीज की लिस्ट शो करनी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक फाइल बनाए कैटेगरीज के अंदर, जैसा कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर फाइल बनाते हैं कैटेगरीज डॉट मॉडल, ठीक है, कैटेगरीज डॉट मॉडल डॉट ईएस, दैट इज द टाइप स्क्रिप्ट फाइल, और वो फाइल इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हम लोगों को पहले डीटीओज बनाने हैं अलग अलग चीजों के ताकि हम लोग उसे काम में ले सकें। हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं एक्सपोर्ट, ठीक है, इंटरफेस, ठीक है, एक्सपोर्ट इंटरफेस, और ये हो जाएगा हमारा कैटेगरी क्रिएट डीटीओ, राइट। सो कैटेगरी हो गया, ठीक है, और ये हो गया क्रिएशन डीटीओ, लिख देते हैं कैटेगरी क्रिएशन डीटीओ, ओके। और ये अपने पास इंटरफेस है जो इंप्लीमेंट नहीं होता है, बस उसका डाटा टाइप हम लोगों को दिखाना है। तो कैटेगरी का जो नेम है वो हम लोग यहाँ पर लेंगे स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस। अब दूसरा इंटरफेस मुझे बनाना है एक्सपोर्ट इंटरफेस, ये सारा बेसिक पे मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, तो वहां पर आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी आई होप, ठीक है। सो वो पूरे वीडियो आप लोगों को देखने जरूरी है। कैटेगरी डीटीओ हम लोग यहाँ पर बनाते हैं और इसमें हम लोगों को यूज लेना होता है, जैसे आईडी ले लिया, आईडी जो है वो नंबर होता है, और उसके बाद में हम लोग को सेमी कॉलन, उसके बाद में हम लोगों को नेम प्रॉपर्टी इनिशियलाइज करनी होती है, वो हम लोग स्ट्रिंग में इनिशियलाइज कर देते हैं। आई होप आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। तो ये कैटेगरी का हमारे पास मॉडल हो गया और अंडर द कैटेगरीज हम लोगों ने एक मॉडल डॉट टी एस बनाई है आप लोगों को, ठीक है। तो जस्ट सेम एज हम लोग यहाँ पर जो ऑथर है हमारा, जैसे कि ऑथर्स हमारे पास है, इसमें भी हम लोगों को फाइल बना लेनी चाहिए ये, तो उसका नाम जो है हम लोग सिमिलर रखेंगे, ऑथर्स डॉट मॉडल डॉट टी एस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रखा, जैसे कि कैटेगरीज के अंदर हम लोगों ने रखा कैटेगरीज डॉट मॉडल्स डॉट मॉडल डॉट टी एस, सिमिलर हम लोगों ने ऑथर डॉट मॉडल डॉट टी एस रखा है। अब हम लोगों को ऑथर क्रिएट करना, हम लोगों को बताया एक ऑथर की लिस्ट भी हम लोगों को बनानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी हम लोगों को रखना है, जैसे कि हम लोगों ने रखा कैटेगरी क्रिएशन डीटीओ, वैसे ही हम लोग यहाँ पर रखेंगे ऑथर क्रिएशन डीटीओ। तो एक्सपोर्ट हम लोग कर देते हैं इंटरफेस, और यहां पर हम लोग यहाँ यूज करेंगे ऑथर क्रिएशन डीटीओ। इसके अंदर हम लोगों को ऑथर का नेम लेना पड़ेगा, तो वो हम लोग ले लेंगे स्ट्रिंग में, ठीक है, क्रिएट कर रहे हैं, आईडी की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम लोगों को उसका डेट ऑफ बर्थ भी लेना पड़ सकता है, ठीक है, उसका पिक्चर भी है, उसका बायोग्राफी भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यूज करते हैं, ठीक है, और दो लेटर्स को यूज करने के लिए हम लोगों को डेट ऑफ बर्थ हम लोग यूज करते हैं, और यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं डेट, गॉट इट। और यहाँ पर हम लोगों को पिक्चर यूज करना है, तो हम लोग यहाँ पर पिक्चर यूज कर लेते हैं, दैट इज द टाइप ऑफ फाइल, ठीक है, पिक्चर, क्योंकि क्रिएट करना है तो हम लोगों को फाइल की जरूरत पड़ेगी, गॉट इट। ये बेसिक्स में सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। अब बायोग्राफी है, जैसे कि बायोग्राफी है, तो इसमें हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं स्ट्रिंग। तो ये हो गया अपने पास ऑथर क्रिएशन डीटीओ, एक ऑथर यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में अपने पास यहाँ पर है एक्सपोर्ट, यहाँ पर है इंटरफेस, और दूसरा जो हम लोगों को बनाना है दैट इज ऑथर डीटीओ, ठीक है, ऑथर डीटीओ, और इसमें सॉरी ऑथर क्रिएशन डीटीओ नहीं लिखना है, ऑथर डीटीओ ही लिखना है, क्योंकि ऑथर क्रिएशन डीटीओ हम लोग बना चुके हैं पहले। इसमें हमारे पास नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, पिक्चर होगी, बायोग्राफी तो होगी होगी, ठीक है, जो पिक्चर होगी वो स्ट्रिंग में होगी पहली बात। तो ये सारे के सारे पार्ट तुम लोगों के काम में आने ही है।
इसमें एक आईडी प्रॉपर्टी और हमारे पास होगी, दैट इज आईडी, और वो हमारे पास नंबर में होगी, ठीक है। पहली बार तो मैं यहाँ पर सेमी कोलन लगा देता हूँ, और नेम स्ट्रिंग में होगा, डेट ऑफ बर्थ जो है वो डेट में होगा, पिक्चर जो है वो स्ट्रिंग में होगी। तो यहाँ पर क्योंकि पाथ होगा जिसे हम लोगों को शो करना है, उसको इमेज पे ला कर बस, बायोग्राफी है वो स्ट्रिंग में हम लोग लेंगे। अब द नेक्स्ट वन इज, हम लोगों की यहाँ पर एक और हो सकता है कि इस ऑथर को हम लोगों को बुक के साथ जो है वो मैच करवाना पड़ सकता है, राइट। तो इसको सेव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑथर बुक डीटीओ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो हम लोग बाद में बताएंगे कि वो हमारे पास कब जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, तो वो हम लोग जरूरत के ऊपर बनाएंगे, ठीक है, तो वो रन टाइम के ऊपर बना लेंगे। अब हम लोगों को बुक शॉप में भी बना लेना चाहिए ये जो मॉडल है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं बुक शॉप डॉट मॉडल डॉट यस, और इसमें भी हम लोगों को बनाना चाहिए डॉट स्पोर्ट इंटरफेस, एंड इंटरफेस का नेम क्या होगा आप लोगों का, दैट इज जैसे कि इसमें है हमारे पास बुक शॉप क्रिएशन डीटीओ, ठीक है, बुक शॉप क्रिएशन डीटीओ, सॉरी यहाँ पर डीटीओ में और जो है वो कैपिटल होगा, और यहाँ पर अपने पास जो है बुक एक्सपोर्ट इंटरफेस बुक शॉप क्रिएशन डीटीओ, इसमें हम लोगों को स्ट्रिंग सॉरी नेम और स्ट्रिंग लेना है। उसके बाद में अगर कोई अदर पैरामीटर होगा तो हम लोग उसको इंक्रीज कर लेंगे। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ और इसमें अपने पास हो जाएगा बुक शॉप डीटीओ, ठीक है। तो इसमें अपने पास आईडी एंड नेम दोनों आने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आईडी टेंस टू नंबर, ओके। तो यहाँ पर ये भी सेव कर देता हूँ। द नेक्स्ट वन हमारा बुक शॉप हो गया। बुक के लिए अब हम लोग चलते हैं कि बुक का एंटिटी क्या होगा। अब बारी आती है बुक की, तो हम लोग बुक पर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं हमारे पास बुक्स डॉट मॉडल डॉट ईएस, और इस बुक्स डॉट मॉडल डॉट ईएस में हम लोग ऐड करते हैं दैट इज एक्सपोर्ट इंटरफेस, ठीक है, और इंटरफेस का नाम हो जाएगा दैट इज बुक, ठीक है, क्रिएशन डीटीओ, क्रिएशन डीटीओ, क्योंकि हम लोगों को क्रिएट करनी है बुक, तो बुक का आईडी की जरूरत नहीं है हम लोगों को, बुक के टाइटल की जरूरत है, दैट इज टाइटल। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, और समरी ऑफ द बुक हम लोगों को चाहिए है, ठीक है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन, तो हम लोग यहाँ पर भी ले लेते हैं स्ट्रिंग। उसके बाद में हम लोगों को बुक का जो इमेज है दैट इज पोस्टर, तो हम लोगों को पोस्टर भी चाहिए है, तो हम लोग वो ले लेंगे फाइल में, ताकि इमेज कवर जो है, तो पोस्टर कवर भी हम लोग इसको बोल सकते थे, ठीक है, या कवर ज़्यादा बेहतर नाम रहेगा कवर। और यहाँ पर हम लोगों को इसमें लेना है दैट इज कैटेगरी आईडी, सो कैटेगरी आईडीज, ठीक है, तो कैटेगरी आईडीज जो है वो नंबर टाइप का एरे होगा हमारा, ठीक है, और हमारे पास जो क्योंकि एक बुक के अंदर तो कौन से बुक शॉप पर वो रखी होगी, तो उसका आईडीज भी हम लोगों को चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बुक शॉप आईडीज, ठीक है, बुक शॉप आईडीज, और ये टाइप ऑफ नंबर हमारे पास एरे हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा में रख सकते हैं वो हम, ठीक है। यहाँ पर ऑथर्स हैं, ऑथर्स आईडीज भी हम लोगों को रखनी होगी, ऑथर्स में हम लोगों को, चलिए ऑथर्स हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हमारे पास कैटेगरी है बुक शॉप का आईडी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को, तो ये तो क्या, हम लोग जब एक मूवी को ऐड करेंगे तो उसमें टाइटल समरी कवर देंगे उसका, और कैटेगरीज आईडीज और बुक शॉप आईडीज दे देंगे हम लोग उसकी, ठीक है, और जब हम लोग उसको बुक को शो करेंगे तब हम लोग उसमें क्या शो करेंगे, तो ये भी उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल एक आईडी जोड़ देते हैं दैट इज द आईडी ऑफ नंबर, यहाँ पर समरी हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। कवर जो है वो स्ट्रिंग में हम लोगों को डिस्प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को फोटो दिखाना है, ठीक है, इट्स ए टाइप ऑफ स्ट्रिंग। सब्सिक्वेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड मस्ट हैव द सेम टाइप प्रॉपर्टी, कवर मस्ट बी द टाइप फाइल, बट हियर आर द टाइप ऑफ स्ट्रिंग, कवर वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड हियर, ओके। तो यहां पर हम लोग यहां पर ये बोल सकते हैं कवर फोटो, ओके। ये आ जाएगा हमारे पास कैटेगरी आईडीज़,
तो कैटेगरी आईडीज जो है हमारे पास, कैटेगरी आईडीज नहीं होगा, दैट इज द कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी डीटी हम लोग बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज कैटेगरी डीटीओ, कैटेगरी डीटीओ, व्हाट कैटेगरी डीटीओ इज नॉट देयर। तो हम लोगों को कैटेगरी में चलना चाहिए जहां पर कैटेगरीज हैं। ओके, यहां पर हम लोगों ने क्रिएट कैटेगरी डीटीओ बनाया है, कैटेगरी क्रिएशन डीटीओ, क्रिएट कैटेगरी डीटीओ, ये कहां से आ गया, क्रिएट कैटेगरी डीटीओ, हम लोगों को कैटेगरी डीटीओ बनाना है, राइट। तो हमारे पास आ गया कैटेगरी डीटीओ, ओके, एंड कैटेगरी डीटीओ इज देयर इन, ये आप लोगों को यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल डॉट कीजिए वहीं पर और इसका नेम स्पेस यूज हो जाएगा कि ये एक्चुअली में कहाँ पर है। ये डॉट डॉट कैटेगरीज नाम से डायरेक्टरी है, उसमें है आपके पास है कैटेगरी डॉट मॉडल डॉट ई एस फाइल, और उसमें ये आपके पास मिलेगा आपको कैटेगरी डीटीओ, ठीक है। सिंपल एज बुक, ये भी आप लोगों को चाहिए है तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बुक शॉप डीटीओ, दैट इज दिस वन, है ना। तो ये आईडीज नहीं होगा, दैट इज बुक शॉप डीटीओ, हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये बुक क्रिएशन डीटीओ हो गया, बुक क्रिएशन डीटीओ, ओके, यहाँ पर बुक क्रिएशन डीटीओ नहीं होगा, ये बुक डीटीओ होगा, ठीक है, ओके। तो ऐसे सिमिलर हम लोगों को इंटरफेस बनाने हैं ताकि हम लोग अपने एंटायर द प्रोजेक्ट उसमें काम में ले सकें उन चीज़ों को, ठीक है। कहाँ पर क्या चीज़ें रखनी है वो हम लोग ब्लेजर वाले प्रोजेक्ट में देख ही चुके हैं, तो ब्लेजर वाला प्रोजेक्ट ही हम लोग एंगुलर में बनाने वाले हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो भी एक हमारे पास एक एग्जाम्पल रहेगा, गॉट इट। तो यहाँ पर हम लोगों ने बुक मॉडल डॉट ई एस, इस टाइप से आप लोगों को मॉडल्स बनाने हैं फ्रेंड, जैसे कि हम लोगों ने डी डी ओज बनाए हैं ब्लेजर के अंदर, वैसे आप लोगों को यहाँ पर हम लोग बोलेंगे मॉडल डॉट ई एस, राइट। अब हम लोगों को जैसे कि यहाँ पर जो सोर्स है, ऐप है, सेट्स है, वैसे ही हमारे पास एक एनवायरमेंट्स के नाम से भी फोल्डर होना चाहिए। तो न्यू फोल्डर हम लोग इस एस आर सी फोल्डर के अंदर बना लेते हैं, एनवायरमेंट्स के नाम से हम लोग एक एनवायरमेंट जो है डायरेक्टरी बनाते हैं। इसके अंदर हम एक टाइप स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे और उसमें हम लोग अपने एपीआई का यूआरएल जो है वो सेट करेंगे। ये एनवायरनमेंट जो होता है प्रोडक्शन भी होता है, डेवलपमेंट भी होता है, तो हम लोग दोनों सेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए हम लोग यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो सेट करेंगे। तो इसके अंदर पहला हम लोग एक टीएस फाइल जो है वो सेट करते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल, और उस फाइल का नाम रखते हैं एनवायरनमेंट डॉट टीएस, ये टाइप स्क्रिप्ट फाइल रहेगी इसकी, इसको हम लोग कहेंगे एक्सपोर्ट, ठीक है, और कॉन्स्टेंट, उसके बाद में एनवायरनमेंट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एनवायरनमेंट, एंड एनवायरनमेंट जो है वो हम लोगों को यहाँ पर देख, इट्स अ टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट हम लोग रखेंगे, तो उसमें हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट टाइप वैल्यू जो है वो हम लोगों को यूज करनी है, ठीक है। और जिसमें हमारे पास प्रोडक्शन जो है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्रोडक्शन फॉल्स, कि प्रोडक्शन जो है हमारा इसमें फॉल्स रहेगा, और इसमें हमारे पास एपीआई यूआरएल रहेगा जो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, और वो हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसा कि हम लोग एपीआई जो डिज़ाइन करेंगे वहाँ पर हम लोग ये चीज़ रखेंगे, ठीक है। तो एक कॉन्स्टेंट है, अगर कॉन्स्टेंट आप लोगों को बनाना हो, एनवायरमेंट आप लोगों को सेट करना हो, तो आप लोगों को ऐसे करना है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर लिया, ठीक है। अब हम लोगों को हर एक जो फोल्डर हमारे पास यहाँ पर एप्स के नाम से है हमारे पास, राइट, एप्स में हमारे पास फोल्डर्स हैं, तो इसमें हम लोगों को जैसे कि हर एक में, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर कैटेगरीज की बात करें, तो कैटेगरीज में हम लोगों को सर्विस जो डायरेक्टरी है वो बनानी पड़ेगी, और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो है वो हम लोगों को ऐड करनी पड़ेगी, ताकि सर्विसेज जो होती है वो कंपोनेंट टू कंपोनेंट हम लोगों की कॉल हो जाती है, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर कैटेगरीज के अंदर चलना है, और कैटेगरीज में भी चलने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल टी कर लेते हैं, दैट इज कंट्रोल टी टी, यानी कि टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग एक सर्विस ऐड करते हैं, एन जी जी एस फॉर सर्विस, और उसके बाद में हम लोगों को ये फोल्डर का नेम लिखना है, दैट इज कैटेगरीज, और उसके बाद में हम लोगों को कैटेगरीज जो है वो सर्विस का नाम लिखना है, दैट इज कैटेगरीज, डैश डैश स्किप डैश टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक कैटेगरी इसमें ऐड कर लेता हूँ, देखिए कैटेगरीज डॉट सर्विस डॉट टी एस नाम से ये जो फाइल है वो इसमें ऐड हो जाती है, और साथ में मॉडल डॉट टी एस भी है, तो आप लोग इस सर्विस पर जब क्लिक करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आप लोगों के पास एक सर्विस जो है
वो यहाँ पर कैटेगरीज से रिलेटेड सर्विस जो है वो ऐड हो चुकी है। इसमें जितने भी हमारे जो हमारे पास जो सर्विस होल्डर होता है, जो हमारे एपीआई साइड में सर्विस होल्डर होता है, वो यहाँ पर ये सर्विस वाला फोल्डर है, ठीक है। तो सर्विस तो हम लोगों को ऐड करनी पड़ती है ताकि हम लोग एपीआई को कॉल करें। वहां पर हम लोगों ने एचटीटीपी सर्विस नाम से एक क्लास ऐड की थी, आप लोगों को पता हो तो। यहाँ पर भी हम लोग ऐसा ही कुछ करेंगे, हम लोग अपना एनवायरमेंट के अंदर हमारा जो एपीआई यूआरएल है वो हम लोग सेट कर चुके हैं, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट, ठीक है, एपीआई यूआरएल इक्वल्स टू एनवायरमेंट डॉट एपीआई यूआरएल, ये हम लोगों ने सेट किया था। प्लस उसके आगे कोई भी हमारा नाम हो, जैसे कि अगर मान लो हमारे पास कैटेगरीज, हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग एपीआई के अंदर जो ASP.NET Core के अंदर हम लोग बनाएंगे उसमें हमारे पास यही रहेगा, एपीआई यूआरएल रहेगा और साथ में हमारे पास कैटेगरीज का ऑप्शन रहेगा, तो ये एपीआई यूआरएल इस टाइप का हमारे पास रहेगा उसमें, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास है। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हम लोग बनाएंगे, जैसे कि गेट ऑल करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मान लीजिए गेट ऑल कर देते हैं, और गेट ऑल जो है वो टाइप ऑफ ऑब्जर्वेबल रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जर्वेबल ऑफ टाइप। ये सारा चीजें जो है वो मैं आप लोगों को उसमें बता चुका हूँ बेसिक के अंदर, कि ऑब्जर्वेबल यहाँ पर कलेक्शन है और वो सब्सक्राइब जो करेगा वो ही यहाँ पर गेट कर पाएगा, दैट इज द टाइप ऑफ एसिंक्रोनस। वो सारा का सारा मैं पार्ट जो है आप लोगों को बता चुका हूँ। ये ऑब्जर्वेबल में हम लोगों को जो है वो क्या देगा, दैट इज कैटेगरी DTO, ये हम लोगों को देगा कैटेगरी DTO, व्हाट इट कैटेगरी DTO का एरे देगा। ये बात समझ में आ गई, यहाँ पर हम लोगों को कैटेगरी DTO का रिटर्न टाइप में एरर मिलेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, रिटर्न करना है, और हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों को सर्विस कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, प्राइवेट, और हम लोगों को यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा HTTP। यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ HTTP क्लाइंट, लेकिन इसका मॉड्यूल मुझे ऐड करना पड़ेगा मॉड्यूल फाइल के अंदर, तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ HTTP क्लाइंट, और इस HTTP क्लाइंट का जो मॉड्यूल है वो मुझे कहां पर ऐड करना पड़ेगा, module.ts फाइल के अंदर। लेकिन 7.17 है Angular का, उसमें हमारे पास जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हम लोग अगर बनाते हैं, अगर हम लोग स्टैंड अलोन को नो कर देते हैं तो हमारे पास module.ts फाइल आ जाती है, पुराना वाला स्ट्रक्चर हम लोगों के पास आ जाता है। तो या तो हम लोग पुराना वाला, जैसे कि अभी जो मैंने डिजाइन किया वो नो स्टैंड अलोन, सॉरी स्टैंड अलोन के साथ किया है, क्योंकि डिफॉल्ट अगर हम लोग ng new और वो करते हैं तो स्टैंड अलोन के साथ आता है। अभी हम लोगों को यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट के ऊपर भी ऐसा कर सकते हैं, कि जहाँ पर भी हम लोग इस चीज़ को यूज में लेंगे HTTP क्लाइंट को, वहाँ पर हम लोग उस मॉड्यूल को ऐड कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक। तो ये सारा सब कुछ जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ आपने टेक्नोलॉजी क्रीड़ा की मेम्बरशिप प्रोग्राम में, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। दोस्तों मैं लिटरली उनको बताना चाहता हूँ ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और जो लोग इनको लिटरली पढ़ेंगे और इनसे जो ज्ञान लेंगे, मैं यही कहूँगा 100% जॉब लगने के चांसेस हैं। बात यही है कि पढ़ना आपको पड़ेगा और आप ही को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।